बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे बताए थे, तो मैंने उसमें साइंस वाला मल्टी ऐसे, विजिट वाला मल्टी ऐसे जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो बाकी ये जो करप्शन, टेररिज्म, पॉवर्टी, स्मोग और इस तरह और काफ़ी टॉपिक हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो ये वाला मल्टी ऐसे जो है ये मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे में चौथे नंबर पे है। तो साइंस वाला, विजिट वाला और ये मई वाले, ये तीनों मैंने आपको कहा था मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको कहा था अगर आपके पास टाइम हो तो ये वाला जो मल्टी ऐसे है सोशल लीवर सोशल इशू के हवाले से, तो ये जो है लाजमी कर लीजिएगा। बाकी ये विलेज लाइफ, सिटी लाइफ, ये वाला वुमेन एम्पावरमेंट या एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान या एग्जामिनेशन, ये वाला करना चाहें तो ये दोनों आपकी मर्ज़ी है, तो इनको देख लीजिएगा। बाकी ये जो है ये लाजमी जो है आप लोगों ने करना है। तो मैं यही जो है आप लोगों के साथ मल्टी ऐसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस मल्टी ऐसे में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट, ये वैसे मैं लिखने बैठ जाऊँ ये 50+ टॉपिक्स हैं जो इस एक ऐसे में कवर हो सकते हैं। सोशल प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, तो ये सारे सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ये सारे जो हैं इसमें डेयरनेस, डिसअपेयर, लेक ऑफ टॉलरेंस, ये सारे इसमें कवर हो सकते हैं। मतलब सोशल इवल या सोशल इशू के हवाले से जो मर्ज़ी ऐसे आ जाए तो आपने ये उठाकर लिख सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में जो मेन है वो है करप्शन है, पॉवर्टी है, स्मोग है, टेररिज्म, पोल्यूशन, बैगिंग जो है, ये सारे जो हैं हमारे ये सिलेबस में ये वाले शामिल हैं और इन ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर इनमें से आ जाए तो वो तो अलग इशू है, लेकिन इनमें से जो है वो ज़्यादातर चांस है कोई ना कोई जो है वो पेपर में आ सकता है। तो उस हवाले से अगर इनमें से कोई पेपर में आ जाए या इनमें से आ जाए तो आप लोगों ने ये वाला ऐसे जो है जो आप लोग सामने शोर है ये कोटेशन है, तो ये जो है आप मार्कर के साथ लिख दीजिएगा जैसे मर्जी, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद जो है ये ऐसे जो है ये शुरू हो रहा है यहाँ से, मैन इज़ द न्यू क्रिएशन ऑफ गॉड, ही हैज़ बीन ब्लेस्ड विद गुडनेस एज वेल एज ईवल। तो ये जो है आप लोगों का ऐसे है मल्टी, वो खास तौर पे इन टॉपिक्स के लिए। तो यहाँ पे जो लाइनें छोड़ी हुई हैं तो आपने लाइन नहीं छोड़नी, बल्कि इस लाइन की जगह आपका जो ऐसे आया होगा, फॉर एग्जांपल करप्शन आया हुआ है, तो यहाँ पे आपने करप्शन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे करप्शन लिख देना है। यहाँ पे अगर कोई पॉवर्टी आया हुआ है तो यहाँ पे आपने पॉवर्टी लिख देना है। जो टॉपिक पेपर में आया हुआ अगर यहाँ पे जो लाइन मैंने छोड़ी हुई है वो टॉपिक जो है आपने यहाँ पे लिख देना है। तो इसी तरह ये पूरा जो है ऐसे आप लोगों ने करना है। तो इसको वीडियो रोक कर जो है आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको नेक्स्ट मूव ऑन करता जाता हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको तैयारी करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ऐसे मैंने बता दी हैं और ये मल्टी ऐसे जो है ये भी आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है कोटेशंस पे। तो ये आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टी ऐसे, इतना बड़ा भी नहीं है, इसको आराम से करें। बाकी ये विजिट वाला हम नज़र आ रहा होगा, ये मैं पिछली वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, तो आपको ये टैब नज़र आ रहा होगा, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं वीडियो ओपन करके ये वाले ऐसे और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे जो है वो, बाकी वो साइंस वाला वो भी आप देख सकते हैं। तो ईडियम जो है वो किस तरह करने हैं, सिर्फ 5 लाइनें तैयार कर लें आपके 10 नंबर का वो मसला हल। MCQs जो है वो मैंने शेयर कर दिए हैं आपको, वो वाला मसला हल। और ये वाला मल्टी ऐसे दो, विजिट वाला और साइंस वाला दो, वो मल्टी ऐसे वो भी मैंने शेयर कर दिए हैं, तो ऐसे वाला मसला भी आपका हल। तो फिर भी कोई चीज़ बच जाए तो मुझे बता दीजिएगा, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।